नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई ओमान से रिलेटेड। हालांकि भाई गल्फ देशों में सबकी स्थिति बराबर ही है, कतर को छोड़ के। कतर को मेरा सलाम है, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि इस मुश्किल घड़ी में इंडिया के लिए कतर की फ्लाइटें नॉर्मल तरीके से चालू हैं। वैक्सीन की भी जरूरत नहीं है भाई, बिना वैक्सीन के आप जाओ वहीं पर 10 दिन क्वारंटाइन रहो, वैक्सीन लगवाओ और अपने काम पर जाओ। ये स्थिति है कतर की, तो बहुत बहुत धन्यवाद कतर को। बाकी 5 कंट्रियों तो यूं कुंडली मार के बैठे हैं फ्लाइट के बारे में। ओमान छोटे छोटे देश हैं यार, उन्होंने भी बैंड बजा के रखी है। जी हाँ, ओमान की अभी लोग सोच रहे थे कि फ्लाइटें चालू होगी, फिर भी ओमान ने भैया कल से फिर फ्लाइटों पे बैन लगा दिया। जी हाँ, ओमान ने बता दूँ 24 देशों पे फ्लाइटों पे बैन लगाया एक साथ में। वो सबसे ज़्यादा बंदे ने तेज दिमाग लगा के सबको स्टॉप कर दिया। इसका रीज़न क्या था बता दूँ, पिछले 24 घंटे में लगभग 1700 के करीब केस आ गए एक दिन में। अब यार इतने से छोटे से देश में 1700 केस बड़े होते हैं भाई, बड़े आंकड़े होते हैं। इनको देखते हुए हर इंसान, हर कंट्री, हर लोग वो चाहते हैं कि भाई बचो इनसे, एक बार के लिए हम नुकसान उठा लेंगे, सिस्टम बंद हो जाएगा, अर्थव्यवस्था खराब होगी तो होगी, लेकिन इससे तो निजात मिलेगी। इस चक्कर में फ्लाइटें बैन कर दी, और लगभग बैन उन्हीं में की हैं जिनमें कोरोना के आंकड़े उनकी नज़र में ज़्यादा। हालांकि इंडिया की बात करें तो यार 135 करोड़ की आबादी है, 50,000 आंकड़े आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंडिया के जो 50,000 आंकड़े हैं ना, वो 50 देशों को कवर कर लेते हैं भाई, ये स्थिति है। तो इस वजह से इंडिया का भी इसमें नंबर है। 24 देशों की एक साथ फ्लाइटें कल की डेट में अनिश्चित काल के लिए बंद की हैं। कब चालू होगा इसकी भी आगे डेट नहीं दी कि भाई 10 दिन 15 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले बात करें टूनीशिया, जी हाँ, टूनीशिया, लेबनान, इंडोनेशिया, ईरान, ब्राज़ील, सूडान, इराक, फिलीपींस और तंजानिया, दक्षिणी अफ्रीका, सिंगापुर। आप बताओ जी, सिंगापुर जैसी कंट्री एक ऐसी है कि उसने लगभग फ्लाइटें भी उन्होंने चालू की हैं और उन्होंने तो आंकड़े भी देने बंद कर दिए। रोज़ के 15 से 20 आंकड़े आ रहे हैं सिंगापुर के मात्र, उनको भी देखो इन्होंने बंद कर दिया। गाना, गिनी, कोलंबिया, नाइजीरिया, भारत और पाकिस्तान, जी हाँ, इनको भी, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनको भी ले लिया लपेटे में। तो ये कहने का मतलब ये कि यार चलो इन देशों की आप छोड़ दो, ब्राज़ील है, ब्राज़ील ने भी फ्लाइटें ओपन कर दी इंडिया के लिए जी, लेकिन यार सिंगापुर देखिए, सिंगापुर में रियल बताऊं कितनी आबादी है, 50-60 लाख की शायद आबादी होगी वहाँ पे, 15 से 20 केस रोज आते हैं वहाँ पे। अब बताओ सिंगापुर में 1520 केस आ रहे हैं, उनको ही जब बंद कर दी फ्लाइटें, जो इंडिया में तो भाई 50,000 आ रहे हैं, समझ गए बात को, तो इंडिया का क्या होगा। तो भाई ओमान लोगों के जो सपने थे कि भी ओमान चले जाएं या ओमान से दूसरे देश चले जाएं, ओमान को भी बंद करके रखा है, बहरीन ने वैसे भी बंद करके रखा है, अब बाकी ये कतर बच रहा है। कतर के लिए भी भाई दुबई और सऊदी की और दुबई की भी फ्लाइटें आपको पता है बंद हैं। तो कहने का मतलब बड़ी प्रॉब्लम है भाई, अब फ्लाइटें कब चालू होगी इसका हम कह नहीं सकते। कोई नई अपडेट आती है हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।